कहानी में अब तक आपने देखा कि हैरी जो कि बेबो का शुगर डैडी होता है अब वो उसका ससुर बन जाता है। इसके बावजूद दोनों बेशर्मी की हद पार कर देते हैं और जब घर में कोई भी नहीं होता तो रास लीला रचाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब ऋतिक ऑफिस चला जाता है तब दोनों बेडरूम में रोमांस कर रहे होते हैं। तभी ऋतिक किसी काम से घर आ जाता है और दोनों को आपत्तिजनक हालत में कमरे में पाता है, जिसके बाद दोनों ऋतिक के सामने बहाने वाने करके बच जाते हैं और ऋतिक अपनी फाइल लेके ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब आगे ओह माय गॉड हैरी बेबी, आज तो हम बच गए, पता नहीं आगे क्या होगा। बेबो माय लव माय जान माय डार्लिंग, अरे तुम टेंशन क्या लेती हो, अब तक तो बस दिन था मेरा, अब तो रातें भी मेरी होंगी। दैट नॉटी। मैं तो बहुत नॉटी हूँ, वो गाना है ना उमर बचपन की मगर दिल है बचपन का। जिसके बाद हैरी बेबो को गोद में उठा लेता है और दोनों एक दूसरे के हद से ज्यादा करीब हो जाते हैं। वहीं शाम में डिनर के वक्त बैठा रहते, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ पापा बोलो। बेटा मैं बूढ़ा हो गया, देखना घुटने में भी बड़ा दर्द रहता है। अरे अब बड़ा मुश्किल होता है इंटरनेशनल क्लाइंट्स और बिजनेस को हैंडल करना। अब मैं सोच रहा था कि यहाँ के ऑफिस तो रिमोट कंट्रोल पर हैंडल हो जाएंगे, बाकी फॉरेन के क्लाइंट्स अगर तू हैंडल कर ले तो। ठीक है पापा। बेबो चलो तुम अपनी पैकिंग कर लो, हम दोनों इसी बहाने हनीमून भी मना लेंगे डार्लिंग। अरे बेबो चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? मतलब ससुर जी का मतलब है अगर मैं चली गई तो इनका ख्याल कौन रखेगा, बाकी आप वीकेंड पर तो आओगे ना। हाँ कोई नहीं, वैसे भी मैं काम करूंगा तो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। फिर सभी डिनर करने लगते हैं। मन तो कर रहा है डिनर में अपनी जान को खा जाऊं। क्या माल लग रही है बुढ़ा कहीं का, खुद की ठरक मिटाने के लिए मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया, बट करूँ भी तो क्या, अगर इसके साथ नहीं रही तो इतनी बड़ी जायदाद की मालकिन कैसे बनूंगी। वही कुछ ही दिनों में ऋतिक अपने पिता का सारा काम संभाल लेता है। अब उसे काम के सिलसिले में बाहर ही रहना पड़ता है और बीवी के लिए जरा भी टाइम नहीं मिलता। वही हैरी इस मौके का अच्छे से फायदा उठाता है, बेबो के साथ डेट पे जाता है, पार्टी करता है, होटल्स में लेके जाता है, दोनों पूल पार्टी करते हैं। ऐसे ही दोनों खूब एंजॉय करते हैं। बदले में बेबो अपने शुगर डैडी को जितना लूट सकती है उतना लूटती है, उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स लेती है, हीरे की अंगूठी लेती है और करोड़ों रुपए बैंक में ट्रांसफर करवाती है। इसी चक्कर में अब बुढ़ा शुगर डैडी भी जवान बनने की कोशिश में लगा रहता है, कभी हेयर कलर करवाता है तो कभी टैटू बनवाता है। इस तरह से वो बेबो को इम्प्रेस करने की हर कोशिश करता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन जब ऋतिक घर आता है, अरे बेबो ये पापा को क्या हो गया, ये हेयर कलर ये टैटू, कोई लड़की तो पसंद नहीं आ गई ने। अरे कैसी बातें करते हो, पापा बुढ़े हो गए हैं। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचता हूँ। फिर जैसे ही ऋतिक अलमारी खोलता है तो अलमारी से ढेर सारे गिफ्ट्स गिरते हैं। अरे ये कौन दिया बेबो? अरे ये तो मेरे फ्रेंड्स देते रहते हैं, आप भी क्या इन सब में लगे हो, इतने दिन बाद आए हो मेरे राजा, अपनी रानी से प्यार भी नहीं करोगे। इस तरह दोनों क्लोज हो जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद ऋतिक अपने काम के लिए फॉरेन चला जाता है। फिर एक दिन बेबो की सहेली रीटा जो होती है वो घर पे आती है। अरे वाह क्या मस्त माल है। हैरी बेबी लार मत टपकाओ, मैं काफी नहीं हूँ क्या? अरे तुम तो मेरी डार्लिंग हो। शैतान कहीं के, मैं आती हूँ रीटा से बात करके। इसके बाद दोनों सहेलियाँ कमरे में बैठ के बातें बातें करने लगती हैं। और पता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तेरा शुगर डैडी यहाँ क्या कर रहा है? अरे यार शादी के बाद ही पता चला मुझे ये मेरा ससुर है। खैर मुझे तो लाइफ में मजा ही आ गया, एक तरफ अमीर ससुराल, दूसरी तरफ शुगर डैडी का प्यार और पैसे भी। तू पागल है अबे, जब ऑलरेडी उस बुड्ढे का सब कुछ उसके मरने के बाद तेरा और तेरे पति का है, फालतू में उस बुड्ढे पर अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही है, ऊपर से पति को दूर रखकर उसकी जवानी बर्बाद कर रही है। मैं तो तेरी दोस्त हूँ इसलिए तुझे समझा रही हूँ, बुड्ढे को साइड कर बेब, वैसे भी वो रहे ना रहे सब तेरा ही तो है। तू बिल्कुल सही कह रही है, अब कुछ तो करना ही होगा पिया मिलन के लिए, वरना ऐसी ही जवानी बर्बाद हो जाएगी। फिर बेबो के मन में अब खुराफात सूझने लगती है, क्या सच में बेबो शुगर डैडी को छोड़ देगी या प्रॉपर्टी के लिए रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी, या जैसा चल रहा है वैसा ही सब कुछ चलता रहेगा।
आखिर क्या होगा आगे, देखने के लिए वेट फॉर पार्ट 3। ऊलाला कॉलोनी में राखी और नोरा नाम की दो लड़कियां रहती हैं। नोरा अपने ढिंचक डांस और हॉट मूव्स के लिए बहुत जानी जाती है, वहीं राखी अपने बेबाक और मजाकिया अंदाज के लिए। राखी और नोरा दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करती हैं। नोरा की हॉटनेस और सेक्सी डांस मूव्स के ऊपर कॉलेज के सभी लड़के फिदा होते हैं। एक तो कम जिंदगानी, उस पर भी कम है जवानी, जब तक जोश में जवानी, जब तक खून में रवानी, मुझे होश में आने न दो, प्यार दो, प्यार लो, प्यार दो, दो प्यार लो। क्या सॉलिड नाचती है यार ये नोरा तो। सच में यार, मेरे तो बदन में 440 वोल्ट का झटका लग रहा है, झटका। और जब जब ये हॉटनेस की दुकान ठुमके लगाती है ना, तो मैं तो पानी पानी हो जाता हूँ। हाय गर्मी। ओए लल्लू पल्लू, ये क्या हॉटनेस की दुकान है? अरे हॉटनेस तो मुझ में भरी है, वो भी कूट कूट कर। इतनी सारी हॉटनेस कि मेरे सर पे मैगी रख दी तो वो भी 2 मिनट के अंदर उबल जाएगी। लेकिन राखी, तुम्हारे और नोरा के बीच में तो जमीन आसमान का फर्क है, कुछ भी कहो। अबे ओ मंजुलिका डायन, ये क्या बकवास कर रही है तू? अरे मैं राखी सावंत हूँ, राखी सावंत, एक एक का जबड़ा तोड़ दूंगी और सभी लड़कों का बुर्ज खलीफा हिला दूंगी। नहीं तो। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो हो जाए एक डांस कॉम्पिटिशन, वो भी राखी और हमारी नोरा के बीच में। ये कैसा जोक मार रही है तू सुरैना? ए नोरा, तेरा ये जो गोरा गोरा थोबड़ा है ना, उसे काला काला कर दूंगी और तुझे ऐसे नाच के दिखाऊंगी ना नोरा कि तू बोरा जाएगी बोरा। आई बड़ी सैंडिनी। अरे राखी मेरी जान, डांस करके दिखाओ, डोंट स्पीक, शो मी सम मूव्स बेब, तब मैं तुम्हें मानूंगी। और अगर तुम ये कंपटीशन हार गई, तो फिर तुम्हें पूरे कॉलेज को जोकर बनकर हंसाना होगा। चैलेंज एक्सेप्टेड, नोरा द बोरा। तुझे मैं तेरी नानी याद दिला दूंगी नोरा बोरा। जोकर के कपड़े और मेकअप तैयार रखना। तुम टेंशन मत लो राखी, तुम ही जीतोगी। राखी, तुमने भले ही प्यार में आदिल और रितेश को खोया होगा, लेकिन तुम इस कंपटीशन की ट्रॉफी नहीं हारोगी। अरे जाओ जाओ, जीतेगी तो हमारी नोरा ही। नोरा और राखी दोनों के बीच जंग छिड़ जाती है और अब दोनों के बीच कंपटीशन होने वाला था। 1 2 3 फॉर, नजर नजर में हाल दिल का पता चलता है, आप हम पे हैं फिदा ये साफ पता चलता है। पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया, सयाजी का टपक टपक के हाय पसीना छूट गया। आई गर्मी गर्मी गर्मी, आई गर्मी गर्मी गर्मी। राखी छुप छुप कर नोरा का डांस देखती है और उसे समझ आ जाता है कि वो नोरा से मुकाबला नहीं कर पाएगी। आई जा गावत, ये नोरा तो एकदम अलग ही फायरमाल है, मैं इसके सामने मक्खी हूँ, ये तो मुझे कंपटीशन में कुचल ही देगी। नहीं नहीं, राखी सावंत की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलेगी, मैं ही ये कंपटीशन जीतूंगी और उसके लिए मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। अत्ता माझी सटकली, अब नोरा बोरा के डिस्को डांस के बीच में बनूंगी काली बिल्ली और काटूंगी उसका रास्ता। राखी बड़ी ही चालाकी से नोरा के खाने में ऐसी दवा मिला देती है जिससे नोरा की एनर्जी डाउन होने लगती है। ओह नो, व्हाट्स हैपनिंग टू मी, मेरी बैटरी डाउन ही होती जा रही है, ऐसा कौन सा बिच्छू डस गया मुझे? जब डस जाए बिच्छुआ, जहर जगाए बिच्छुआ, बड़ा तड़पाए पिछुआ, बच के तो रहना जरा। लेकिन तबीयत खराब होने के बावजूद भी नोरा अगले दिन कंपटीशन के लिए आती है।
तभी राखी एक खौफनाक चाल चलती है। वो सबके आने से पहले ही स्टेज पर कांटे बिछा देती है। और बाद में जब राखी और नोरा स्टेज पर नाचते हैं, तभी नोरा के साइड से पीछे की तरफ कांटे होते हैं। अब ये नोरा जब डांस करेगी तभी इसे कांटे लगेंगे। लेकिन हवा के झोंके से सारे कांटे राखी की तरफ चले जाते हैं और उसके ही पैरों में वो कांटे चुभ जाते हैं। साकी साकी रे साकी साकी, आपस आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। अब तो होश ना खबर है ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दरबर हो, तुमसे मिलने के बाद दरबर, दिलबर दिलबर हो दिलबर दिलबर। और इस तरह अंत में नोरा ही कंपटीशन जीत जाती है। सॉरी नोरा, अब मैंने चीटिंग की और अब मैं खुद अपने खोदे हुए गड्ढे में बम के बल गिरी हूँ। और फिर राखी जोकर बनकर पूरे कॉलेज में घूमती है और सभी उस पर पेट दबा दबा कर हंसते हैं।